लोगों ने सोचा तीसरी तकबीर में तो खड़ा होगा, तीसरी तकबीर का दिया गौसे पाक ने फिर भी खड़ा नहीं हुआ, चौथी तकबीर का दिया फिर भी खड़ा नहीं हुआ, सलाम फेर दिया फिर भी खड़ा नहीं। लोग गुस्सा से आग बबोला मर्दूत सो गया, नींद आ गई है, बाप पहले आगे गए एक तमाचा कान के जड़ में मारा, मर्दूत किस लिए लाए थे, सो रहा है नींद आ गई है लेकिन पिटाई पे भी नहीं, दूसरा आया दूसरा भी अपनी साथ दिया फिर भी नहीं जगा, सारे लोगों ने फजीहत कर दी, उठ मर्दूत क्या कर दिया। गौसे पाक के जमाने में एक औरत थी जिसका एक लौता बेटा हमेशा बीमार, हमेशा बीमार, एक लौता बेटा था, इलाज कराते कराते परेशान औरत, पैसे खत्म, जमीन जायदाद खत्म, डॉक्टरों ने ला इलाज कह दिया है, औरत रोती है या अल्लाह क्या करूंगी, एक लौता बेटा, कई सालों के बाद अल्लाह ने वो लड़का दिया, डॉक्टरों ने ला इलाज कह दिया, रो रही थी रो रही थी रो रही थी। एक शख्स आया कहा चच्ची तुम रो क्यों रही हो, कहा कि देखो मेरा एक लौता बेटा है बीमार कह रहा था, डॉक्टरों ने इसे ला इलाज कह दिया है, इसी के लिए मैं फिक्रमंद हूं रो रही हूं। उसने सोल्यूशन दिया, मशवरा दिया कि सुनो हमने सुना है कि जो गौसे पाक से मुसाफा कर लेता है उस दिन से मौत नहीं आती है, तुझे घबराहट हो रही है कि मेरा बेटा मर जाएगा, तो ऐसा करो कि रोज गौसे पाक की बारगाह में ले जाओ और गौसे पाक से मुसाफा करवा। ऐसी बात कहा कि हां दवाई बंद इलाज बंद सब कुछ बंद, औरत सुबह सुबह उठती है रोज गौसे पाक की बारगाह में अपने बेटे को ले जाती है मुसाफा करवा देती है। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, तीन दिन गुजरे, महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा भी आया कि उस औरत ने अपने बेटे का मुसाफा गौसे पाक से करवा दिया था, वापस आने के बाद उसकी परेशानी बढ़ गई और ऐसा लगा कि मर गया, डॉक्टर बुलाई, डॉक्टरों ने नब्ज टटोला, कहा तेरा बेटा गुजर गया, अब रोते रोते परेशान, गांव के लोग मोहल्ले के लोग पड़ोस के लोग सब रो रहे हैं या अल्लाह ये क्या हुआ। लेकिन उस बच्चे की मां कहती है कि सुनो हमने अपने बेटे का मुसाफा सुबह सुबह आज गौसे पाक से करवाया है, इसलिए मेरा बेटा मर नहीं सकता है, मैंने अपने बेटे का हाथ गौसे पाक के हाथ से मिलवा दिया है, मेरा बेटा कैसे मरेगा। अकीदत तो देखिए, डॉक्टरों ने मुर्दा कह दिया है लेकिन मां कहती है कि मेरा बेटा मरा नहीं, रीजन इसलिए कि मुसाफा गौसे पाक, सारे लोगों ने मां मुर्दा घोषित कर दिया लेकिन मां की तबीयत नहीं मानती, लेकिन सारे लोग मुर्दा कह के चले गए। तो देखिए तवज्जो है, मेरी बात समझ में आ रही है हजरत, थोड़ी देर तवज्जो है। यह औरत अपने बेटे को गोद में उठाती है और गौसे पाक की बारगाह में लेके चलती है शिकायत के लिए कि मेरा बेटा आज आपसे मुसाफा किया है फिर मरा कैसे, मुसाफा आपसे किया है फिर मरा कैसे, शिकायत के लिए पहुंचती है। लेकिन लेके जब बारगाह गौसियत में पहुंची तो गौसे पाक हदीस का दर्स दे रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, और सुनिए गौसे पाक जब हदीस का दर्स देते थे तो दर्स देने का अंदाज ये था कि दर्स देते देते कभी कभी अपने शागिर्दों से कहते कि सो जाओ तो सब पे मौत की कैफियत तारी हो जाती,
जब कहते खड़े हो जाओ तो सब जिंदा हो जाते थे। यह हदीस पढ़ाते थे, कहते थे सो जाओ तो सब मुर्दे हो जाते थे, फिर कहते थे खड़े हो जाओ तो सब जिंदा हो जाते थे। यह औरत अपने बच्चे को लेकर पहुंची गौसे पाक की बारगाह में शिकायत के लिए कि मेरा बेटा मरा कैसे। जब गई तो गौसे पाक हदीस का दर्श दे रहे थे, हिम्मत काम नहीं की कि उस वक्त जाऊं, दरवाजे पे खड़ी हो गई, नजारा देख रही है, देख रही है कि गौसे पाक दर्श दे रहे। लेकिन इसको पता था कि गौसे पाक कभी कभी ऐसा करते हैं, कहते हैं कि सो जाओ तो सब मर जाते हैं, कहते हैं खड़े हो जाओ तो सब जिंदा हो जाते हैं। खड़ी होकर देख रही थी, हदीस का दर्स देते 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 गौसे पाक ने फरमाया सो जाओ, सब गिर गए, सबसे मौत की कैफियत तारी हो गई। तो औरत ने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है, मैं भी अपने बच्चे को उसी में घुसा देती हूँ और जब गौसे पाक कहेंगे खड़े हो जाओ सब जिंदा हो जाएंगे, मेरा बेटा भी जिंदा हो जाएगा। लेके गई जल्दी से दौड़कर और उसी सब में अपने बच्चे को रख। कुछ देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया खड़े हो जाओ, सारे शागिर्द जिंदा हो गए, खड़े हो गए, लेकिन उस औरत का बच्चा खड़ा नहीं। दर्द से हदीस खत्म, सब तलबा वापस चले गए, औरत खड़ी रही। जब सारे तलबा चले गए, औरत को शिकायत का मौका मिला, कहा हुजूर मैं इसलिए आपके पास आई हूं कि मेरा बेटा आज सुबह सुबह आपसे मुसाफा किया है, फिर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा कह दिया, ये मरा कैसे। गौसे पाक फरमाते हैं ठहरो, अपना चेहरा आसमान की तरफ करते हैं और हाथ को झटका देते हैं, फिर नीचे करते हैं। जो ही हाथ को नीचे करना था बच्चा मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, मुस्कुराता खड़ा हो गया, कहा ले जा तुम अपने बच्चे को, शिकायत के लिए पहुंच गई थी। औरत अपना बच्चा लेकर वापस तो चली गई, लेकिन आपके शागिर्द इर्द गिर्द खड़े होकर देख रहे थे। आ गए बारगाह गौसियत में गौसे पाक के पास, फिर हुजूर ये सब क्या हो रहा था। वो औरत मुर्दा बच्चा को लेकर आ गई थी, आपने आसमान की तरफ देखा, हाथ को झटका दिया, बच्चा जिंदा हो गया। हुजूर कुछ वजाहत कर दी। गौसे पाक ने फरमाया सुनो, वो औरत जिस बच्चे को लेकर आई थी मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करके वापस चले जा रहे थे। मैंने हाथ को झटका दिया, देखा पहले हाथ को झटका दिया, कहा अल्लाह के हुक्म से रूह को वापस कर दो, तो मलकुल मौत ने रूह वापस कर दी। यह है मेरे गौस की शान। इसीलिए तो क्या शायर ने क्या है हुका, क्या पूछते हो शहे दिला के फजाइल आसी हर फजीलत के वजाम। नबुव्वत और रिसालत के बाद जितना मर्तबा होता है वो सब कुछ अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाया। अब सुनिए, आपने सुना होगा, उलमा ने भी सुना, गौसे पाक की एक मशहूर करामत ये थी कि आप मुर्दे को जिंदा कर देते थे। अभी मैंने बताया एक ये मशहूर रवायत, दो तीन मिनट में मैं बयान करके असल मकसद की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। तवज्जो है मेरी बात, समझ में आ रही है। सुनिए या खत्म कर दें, सुनिए सुनिए थोड़ी देर सुन लीजिए। गौसे पाक के जमाने में एक ईसाई ने दावा किया, ऐ मुसलमानों, ऐ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने फला मुर्दे को जिंदा किया, फला मुर्दे को जिंदा किया, फला को जिंदा किया, बताओ तुम्हारे नबी मोहम्मद ने किस मुर्दे को जिंदा किया। ये खबर गौसे पाक तक पहुंची। गौसे पाक पीराने पीर, पीरे दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस ईसाई के पास खुद तशरीफ लेके
और आपने उसे पूछा बताओ तेरा दावा क्या है। कहा मेरा दावा यही है कि हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने बहुत सारे मुर्दे को जिंदा किया है। ऐ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों बताओ तेरे नबी ने किस मुर्दा को जिंदा किया। गौसे पाक फरमाते हैं तू मेरे नबी का पावर देखना चाहता। कहा मेरे नबी की शान देखना चाहता है तो मैं उस नबी के गुलामों का अदना गुलाम। मेरा पावर देख और मेरे नबी के पावर का अंदाजा लगा ले। कहा क्या मतलब तू मुर्दे को जिंदा करेगा। कहा मैं करूंगा। कहा तू करेगा। कहा के चलो करके दिखाओ। कहा के चल। गौसे पाक को ले गया एक कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्र थी सबसे पुरानी कब्र वहां पे ले गया। सोचा कि नई कब्र के पास ले जाऊंगा हो सकता है कहीं कब्र में वो जिंदा हो। जो सबसे पुरानी कब्र थी कब्रिस्तान में उस कब्र के पास ले गए इस कब्र वाले को जिंदा कर। गौसे पाक ने फरमाया सुनो पहले इन्ना साहिब हाज़ल कब्र कान मुग़न्नियन फिद दुनिया इन अरदता उहयीहू कमा कान फिद दुनिया। जिस कब्र वाले को तुम जिंदा करने के लिए कह रहे हो इसकी हालत पहले सुन लो। ये दुनिया में गवैया था गवैया। अगर तुम कह दो तो वैसा ही जिंदा करूं जैसा दुनिया में गाया गया। अच्छा ऐसा करेगा तू। कहा के करके देखा। गौसे पाक कब्र के पास तशरीफ ले जाते हैं और फरमाते हैं कुम बेइज़नी ए कब्र वाला तुम खड़े हो जाओ। वो कब्र वाला गवैया जो कई सालों से मदफून था गाता हुआ कब्र से निकल के खड़ा हो। अब गौसे पाक की ये करामत इतनी मशहूर हुई कि देखो अब्दुल कादिर ने मुर्दा को जिंदा कर दिया मुर्दा को जिंदा कर दिया। जितने शहर के लोग थे सबकी जबान पे अब अब्दुल कादिर का नाम। सब लोग अब्दुल कादिर का गुनगाने लगे मुर्दा को जिंदा कर दिया। ये कम बड़ी बात है। जितने नेता थे सबकी शोहरत पी की। जितने लीडर थे सबका नाम बुझ गया। हर गली में हर नगर में हर घर में अब्दुल कादिर का नाम चल रहा है। सारे लोग मेरे गौस का नाम ले रहे हैं। नेताओं को तो बड़ी तकलीफ हुई ये कौन अब्दुल कादिर आ गया है कहां से उठकर। सारे लोग तो उसी का गुनगाते हैं उसी का नाम लेते हैं। मीटिंग किया गांव में जितने लीडर थे सब लोग जमा हुए। कहा कि देखो ये अब्दुल कादिर कहां से आ गया है। घर में कोई मामला होता था पहले हमारे पास आते थे अब अब्दुल कादिर के पास जाते हैं। कोई ऐसा काम करो कि इसको भगाया जाए इसका नाम बुझाया जाए इनका नाम मिटाया जाए। क्योंकि जब से इसने मुर्दे को जिंदा किया है लोग इसका नाम बड़े अदब से लेने लगे हैं। लोग इनकी इज्जत करने लगे हैं। लोग इनके करीब जाने लगे हैं। लोग इनकी बातें मानने लगे हैं। लोग इनसे मोहब्बत करने लगे हैं। लोग इनकी चेहरे की ज़ियारत करने लगे हैं। ऐसा कोई काम करो कि इनका नाम मिट जाए और फिर से लोग हमें नेता माने हमें लीडर माने हमारे पास आए हमको अपना गुरु माने। सारे नेताओं को गुरु की गुरु घंडाल की मीटिंग हुई। मीटिंग में ये बात चल रही है काम कैसे किया जाए अब्दुल कादिर का नाम फिर से मिटेगा कैसे। लेकिन जिसे अल्लाह रोशन कर दे उसे कौन मिटा सकता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन। जिसके हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। सारी दुनिया कह रही है कि अब्दुल कादिर का नाम फिर से मिटना चाहिए लेकिन अल्लाह कहता है कि अब्दुल कादिर का नाम ऊंचा होना चाहिए। बैठ गए सारे लोग मशवरा पे मशवरा। एक घंटा हुआ दो घंटा हुआ एक ने मशवरा दिया ताकि सुन मैंने एक तरकीब सोच ली अगर तुम लोग इस तरकीब पर अमल करोगे तो अब्दुल कादिर का नाम मिट जाएगा और फिर हमारा वही नाम चलेगा जो पहले चलता था।
फिर हमारा ही डंका बजे। कहा क्या बता? कहा कि तुम सारे लोग बैठ जाओ, मैं बताता हूं। सारे लोग बैठ गए, सुनने लगे, हक्के बक्के हो गए, क्या कह रहा है। कहा कि सुन, मैंने एक तरकीब सोची, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? कहा क्या तरकीब, बता। कहा कि गौसे पाक का नाम अब्दुल कादिर का नाम इसलिए ना ऊंचा हुआ है कि उसने मुर्दा को जिंदा किया। कहा कि हाँ। कहा उसी से मिलता जुलता हमने एक तरकीब सोची है, उस तरकीब पे अमल करोगे तो यकीनन उसका नाम मिट जाए। कहा क्या बताओ? कहा कि सुन, एक मोटा ताजा जिंदा इंसान को चारपाई पर सुला दो और उसको कह दो कि थोड़ी देर के लिए तुम मुर्दा बन जाओ। और सब लोग उठा करके ले चलते हैं अब्दुल कादिर के पास और उसको कहेंगे कि जनाजा पढ़ा दीजिए, और ये आदमी मरा नहीं होगा, जिंदा होगा। और इसको सिखला दो कि अब्दुल कादिर जब तेरा जनाजा पढ़ाने लगे, एक तकबीर कहे, पहले तकबीर कहे तो उठकर खड़ा हो जाना, तो हम लोगों को मौका मिल जाएगा। कहेंगे ए अब्दुल कादिर, तुम जब तुमको ये पता नहीं है कि कौन मुर्दा है कौन जिंदा है, तो भला मुर्दे को जिंदा कैसे कर सकता है? फिर मजाक उड़ाएंगे अब्दुल कादिर का, उनकी फजीहत होगी, उनका नाम बदनाम करेंगे। सबने कहा ये बात तुमने ठीक कहा, ये तरकीब तुमने ठीक कही, बताई, चलो ऐसा ही करते हैं। राय पर बात क्या थी? अब्दुल कादिर गौसे पाक का नाम बदनाम कर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तवज्जो से सुनो। मेरी कोशिश होती है कि जहां जाओ चंद बातें बताओ, लेकिन मेरी बात सुनिए। मेरे गौस को बदनाम करने की बात चल रही है। एक मोटा ताजा इंसान को बुलाया और उसे पहले सिखाया, कहा कि सुन, तू मेरी बात मानेगा? कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं मानने को तैयार। कहा कि तुझको हम कुछ देर के लिए मुर्दा बनाएंगे, लेकिन तू जिंदा है, तुझको कफन पहनाएंगे और तुझको चारपाई पे सुला के ले चलेंगे अब्दुल कादिर के पास जनाजा पढ़वाने के लिए। और जब गौसे पाक अब्दुल कादिर तेरा जनाजा पढ़ाने लगे, पहली तकबीर कहे तो तू उठकर खड़ा हो जाएगा, इतना काम कर देगा? कहा कि बिल्कुल तैयार। कहा कि ठीक है, सारे लोगों का मशवरा पास, आदमी भी तैयार, मोटा ताजा जिंदा आदमी को सुला दिया चार भाई पे, कफन लाया गया, कफन पहना दिया गया, और चार लोगों ने कांधा दिया। पीछे पीछे एक जमात चल रही है, चार लोग आगे उस चारपाई पर सुलाकर मोटा ताजा इंसान को लेकर बारगाह गौसियत में पहुंचे। गौसे पाक के बारगाह में पहुंचे, पहुंचते ही अदब से सलाम किया, सलाम अलैकुम। गौसे पाक ने मुस्कुरा के सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर, इमरजेंसी काम से आया। कहा क्या इमरजेंसी? एक मैयत हो गई है हुजूर, उसका जनाजा पढ़ा दीजिए। लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए गया था, बताइए, मजाक उड़ाने के लिए। निगाहे विलायत वही देख, आपने कहा इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ा। कहा कि हुजूर पढ़ा दीजिए। कहा कि नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, कहीं और पढ़वा लो। फिर इसरार करने लगे, हुजूर कहीं और पढ़वाना होता तो हम पढ़ा लिए होते, इतनी मेहनत से इतनी जमात के साथ आपके पास आए हैं, आप पढ़ाइए ना। लेकिन गौसे पाक ने इनकार कर दिया। इन सब के मुंह काले हो गए थे, जिस मकसद के तहत हम लोग आए, मकसद लगता है फेल हो गए, क्योंकि गौसे पाक अब जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं, और आपने देख लिया था कि ये जिंदा है, इसलिए आपने मना किया। चेहरे मुरझा गए थे। फिर इन लोगों ने मशवरा किया, अब कैसे हो? कहा कि चलो सब आदमी मिलकर एक साथ कहते, हुजूर पढ़ाइए, आप भी पढ़ाइए, खूब इसरार करते हैं। कहा कि चलो एक धक्का और देते। सब लोग मिलके गए, पहले तो चंद आदमी गए थे, अब सब मिलके गए, कहने लगे हुजूर पढ़ा दीजिए, हम आपके पास इतनी मेहनत से आए, आप वापस कर रहे हैं। गौसे पाक जलाल में आते हैं, कहते जनाजा पढ़वाना है। कहा कि चल जनाजा।
चलो मैं पढ़ाने के लिए तैयार। सबों के चेहरे पे हंसी के फूल, अब वो मौका नसीब होने वाला है कि गौसे पाक का नाम हम बदनाम करेंगे और हमारा नाम फिर से ऊंचा होगा। गौसे पाक ने फरमाया चलो जनाजा गाओ, सारे के सारे लोग जनाजा गाह पहुंच गए। गौसे पाक ने फरमाया सफाई लगा लो, सफाई लगा ली गई, एक सब दो सब तीन सब। गौसे पाक आगे, आपने फरमाया बताओ इस मैयत का वली कौन है। इत्तेफाक से उसका बाप पहले सब में था, कहा कि मैं, कहा ये कौन है तेरा, कहा मेरा बेटा। गौसे पाक ने पूछा तू बता, मैं तेरे बेटे का जनाजा पढ़ा था। कहा हुजूर इसीलिए तो आया हूं जल्दी के लिए। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, किस लिए, कि मजाक उड़ाने का टाइम आ गया। सब मुस्कुरा रहे थे, सबों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंसी के फूल खिल रहे थे कि वक्त आ गया है, हमारा नाम फिर से ऊंचा होगा, अब्दुल कादिर का नाम फिर से पूछेगा, अब फिर हमारा टंका बजेगा। वैसे पाक ने फिर पूछा आखिरी मरतबा पढ़ा दू जनाजा, कहा कि जल्दी। गौसे पाक ने जनाजे की नमाज शुरू कर दिया। क्या बताया था, सिखलाया था लोगों ने इसको, पहली तकबीर हो उठ के खड़ा हो जा। गौसे पाक ने जनाजा शुरू कर दिया, पहली तकबीर कह दिया, लेकिन नहीं खड़ा हुआ, खड़ा नहीं हुआ। लोगों ने सोचा चलो चार तकबीरें है ना, कितनी तकबीरें कही जाती है जनाजे की नमाज में, चार तकबीर, सोचा चार तकबीर दूसरे में खड़ा हो जाएगा, दूसरी तकबीर हो गई फिर भी खड़ा नहीं। लोगों ने सोचा तीसरी तकबीर में तो खड़ा होगा, तीसरी तकबीर का दिया गौसे पाक ने फिर भी खड़ा नहीं हुआ, चौथी तकबीर का दिया फिर भी खड़ा नहीं हुआ, सलाम फेर दिया फिर भी खड़ा नहीं। लोग गुस्सा से आग बबोला, मर्दूत सो गया, नींद आ गई है, बाप पहले आगे गए, एक तमाचा कान के जड़ में मारा। मर्दूत किस लिए लाए थे, सो रहा है, नींद आ गई है, लेकिन पिटाई पे भी नहीं, दूसरा आया दूसरा भी घुसा दिया फिर भी नहीं जगा। सारे लोगों ने फजीहत कर दी, उठ मर्दूत क्या कर दिया, कहा चेहरे से कफन को हटाओ, चेहरे से कफन को हटाया तो आंख बंद के बंद, कहा नब्ज टटोलो, नब्ज टटोला गया तो रूह परवाज कर गई, मुर्दा हो गया है। बाप रोने लगा या अल्लाह ये क्या हो गया, मेरा बेटा जिंदा था मुर्दा कैसे हो गया। गौसे पाक के कदमों में गिर गया, कहा हुजूर ये तो बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हो गया, कहा गजब हो गया, कहा क्या हुआ, कहा हुजूर मेरा बेटा जिंदा था, मेरा बेटा जिंदा था, मैंने मजाक बनाने के लिए लेके आया था, लेकिन हुजूर अब बोल नहीं रहा है, नब्ज नहीं चल रही है, रो नहीं चल रही है, रूह परवाज कर गई है, सारे लोग मुर्दा कह रहे हैं, ये क्या हो गया। गौसे पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं जिसका जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे उसकी जिंदगी का इंतजार, ये जिंदा था मगर अब्दुल कादिर ने इसका जनाजा पढ़ा दिया, ये है मेरे गौस की शान कि मुर्दों को कहे खड़े हो जाओ तो जिंदा हो जाए और जिंदों को जनाजा पढ़ा दे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोले, अरे मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा।